এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য রাখছেন সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায়। সরাসরি চলে যাব সেখানে। उसकी प्रोडक्ट को, उसके क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसको जाना पड़ेगा, परंतु किसान के पास ना इतनी क्षमता थी, ना इतना ज्ञान था, ना इतनी पूंजी थी। तो किसान अगर सब कुछ पैदा करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। किसान अगर जीरा उत्पादन करता है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था। अगर वो लौंग उत्पादन करता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था। वो इलायची उत्पन्न करता है तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। ये निर्यात समिति एक किसान का 100 किलो से ज्यादा जो भी मटेरियल होगा उसको एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म बनेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बनेगी। इसके साथ साथ हमने एक और सहकारी समिति बनाई है जो बीजों के उत्पादन में छोटे किसानों को जोड़ेगी। अब तक बीज के उत्पादन में बड़े किसान ही जुड़ पाते थे, परंतु अब सहकारी समिति की प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से ये बहुराज्य बीज उत्पादक सहकारी समिति एक एकड़ या आधा एकड़ का किसान को भी बीज उत्पादन के साथ जोड़ेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ वो सहकारी समिति सारी फॉर्मेलिटी करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने खाद के प्रयोग को कम कर करोड़ों हिंदुस्तानियों और दुनिया भर के स्वास्थ्य को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए ऑर्गेनिक क्रॉप बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो रहा है। मगर आज किसान प्राकृतिक खेती तो करता है परंतु इसको अपनी प्रोडक्ट का उचित दाम नहीं मिलता है। तो एक नई सहकारी समिति भारत सरकार ने बनाई है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का देश और दुनिया में मार्केटिंग कर किसानों को उचित भाव दिलाने का काम करेगी। हमने सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी चीनी मिलों को एनसीडीसी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का लोन देकर इथेनॉल संयंत्र लगाने का भी हमने फैसला किया। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी शिक्षण के लिए आने वाले दिनों में भारत सरकार एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का बिल लाकर राष्ट्रीय स्तर पर नई सहकारिता प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है, जिसे ये सारी गतिविधियों में आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सहकारिता का कोई डेटाबेस नहीं था। हमने तय किया कि 8 लाख समितियां और इसके साथ साथ ड्राई एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कहां पर सहकारी समिति नहीं है इसको इंगित करने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी डेटाबेस बनाएंगे। ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम शुरू हो गया है। मुझे सदन को बताते हुए आनंद होता है कि 95% काम समाप्त हो गया है। इस विजयादशमी के पहले हम राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को प्रधानमंत्री जी के हाथ से ऑनलाइन करने का काम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2003 के बाद कभी सहकारी नीति नहीं आई। जब अटल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब सहकारी नीति आई थी। 2003 से 2020